हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं करेले की सब्जी बनाने जा रही हूँ। मैं आज सब्जी बनाने जा रही है, इसका नाम है करेले। और ये मैं इसको बहुत टाइम लगता है काटने के लिए, इनको पचीरने के लिए, बनाने के लिए। ये ऐसी फलियाँ होती हैं, मैंने आपको दिखाने के लिए रखी हैं कि ये फली ऐसी होती है। ये सब इसमें पड़ेगा और मैं साथ में बनाऊंगी पुदीने की चटनी, जो मैंने पुदीना और धनिया लेकर अपने घर का ही है। मेरे घर का धनिया पुदीना है और मैं इसको धो धो कर रखा है। और ये साथ में डालूंगी प्याज और 5-6 मिर्चे हैं, आप अपने हिसाब से डालना। और साथ में है ये गुड़ जो चटनी में पड़ेगा। और ये है अनारदाना, मैं अनारदाने की बनाऊंगी, इमली की नहीं बनाऊंगी और ना ही नींबू की बनाऊंगी। अब पहले मैं सबसे पहले सब्जी को बनाऊंगी। अब मैं सब्जी को इसको गैस पर चलाती हूँ, इसमें मैं तेल डालूंगी। तेल मैंने एक कड़छी डाल दिया। दोस्तों मेरे ये तेल गर्म होगा, इस तेल में मैं ये वाला चटनी जो है उसको मैं थोड़ा काम कर लेती हूँ चटनी का। इसमें पहले मैं ये जो अनारदाना है वो डालूंगी। ये मैंने अनारदाना डाल दिया। अब मैंने इसमें जो 5-6 मिर्चे हैं मैंने डाल दी हैं। हम तो जो चटनी होती है वो तीखी खाते हैं, आप अपने हिसाब से बना लेना, मिर्ची अपने हिसाब से डालना। ये दोस्तों ये देखो, ये मेरा अनारदाना जो पीसा हुआ है पीस गया है थोड़ा थोड़ा। अब मैं बाद में पीसती हूँ। ये इसको डाल देती हूँ, बनाती बाद में हूँ। अब मेरा इधर तेल गर्म हो गया है। ये अब मैं इसमें 1/2 चम्मच जीरे का डालूंगी। और उसके बाद इसमें मैं प्याज डालती हूँ। साथ साथ में मेरी चटनी भी होगी, साथ साथ में मेरी ये सब्जी भी बनेगी। इसमें मैं टमाटर डाल दूँगी। ये मेरे मैंने टमाटर डाल दिए। अब मैं इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डालूंगी, जो मैंने पहले ही घर में बनाकर ही रखती हूँ मैं। ये अपने हिसाब से डालना, मैं तो 1 चम्मच डाल रही हूँ। ये भी साथ साथ में भूजेगा। तो देखो जी, मैं अब चटनी को भी साथ में ही करूंगी। जो मेरा पुदीना थोड़ा बचा है वो मैं डाल दूंगी। साथ में थोड़ा सा 1/2 चम्मच जीरा भी डाल दूंगी और थोड़ा सा पानी।
तो देखो ये मेरी चटनी कितनी बढ़िया बन गई। अब मैं इसमें प्याज डालूंगी, ये वाले जो प्याज हैं प्याज मैं डालती। और इसमें मैं ये आधा चम्मच नमक डालूंगी, थोड़ा सा ये गरम मसाला डालूंगी जो मैंने घर में ही बनाया हुआ है, और थोड़ी सी ये मैं मिर्च डालती हूँ। बस अब कुछ नहीं और डालूंगी अभी। ये मैं अब इसमें गुड़ डालूंगी और थोड़ी सी काली मिर्च डालूंगी, ये आधा चम्मच मैंने काली मिर्च का डाल दिया। अब दोस्तों ये मेरे ये सब्जी मेरा मसाला जो है वो बनकर तैयार हो गया। अब मैं इसमें एक चम्मच नमक डालूंगी और ये आधे चम्मच से ऊपर हल्दी डालूंगी। मिर्च आप अपने हिसाब से डालना जितनी खाते हैं। थोड़ी सी ये मैं देगी मिर्च डालूंगी। इसके साथ ही मैं इसके इसमें आलू डालूंगी। ये मेरे आलू भून जाएंगे जरा इसमें थोड़े। अब मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल, इसमें जो ये मेरी चोली की फली है वो मैं डाल दूंगी। ये दोस्तों आज ये तो चोली की फली हो गई, ये हमारे इधर तो चोली की फली बोलते हैं, आपकी तरफ इसको क्या बोलते हैं वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना, और आपका अपने शहर का नाम भी मुझे लिखकर बताना कि आप कौन से शहर में ये इस सब्जी का नाम है, इन फलियों का नाम है वो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके जहाँ क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ तो क्योली बोलते हैं। यह बहुत अच्छी लगती है ये खाने में। अब मैं इसको ढककर पकाऊंगी। अब मैंने इसको ढक, अब जब पक जाएगी फिर मैं आपको बताती हूँ। अब दोस्तों मेरी चटनी बनकर तैयार हो गई है। अब ये मैं चटनी को बर्तन में डालूंगी, इस बोल में। ये चटनी मैंने बोल में डाल ली है। ये चटनी जो है ना अनारदाने की, ये बहुत बढ़िया होती है और गर्मियों के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, और पेट के लिए भी अच्छी होती है, मुँह का थोड़ा टेस्ट भी बदल जाता है इससे। और ये अनारदाने की चटनी ही बनानी चाहिए। मैंने अनारदाना इकट्ठा लेकर रखा होता है और इसमें थोड़ा सा नमक डाल के रख दें, सालों साल जो है ना वो ख़राब नहीं होगा। ये रोज़ रोज़ लाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। आप इसको लाकर नमक डाल के किसी बस उसी डब्बी में रख दें तो ये ख़राब नहीं होगा। और अनारदाने की चटनी जो है ना ये बहुत ही फायदेमंद होती है। अब इसको इधर रख देते हैं। अब दोस्तों ये मेरी
सब्जी बनकर तैयार हो गई होगी, अब मैं इसको देखती हूँ। सब्जी मेरी बनके अब ये तैयार है। अब मैं ये आलू को देखती हूँ। ये देखो, ये आलू मेरे पक गए हैं सारे, आलू पक गए सारे। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। पहले मैं इसमें गर्म मसाला डालूंगी। मैं आधा चम्मच गरम मसाला डाल दूंगी। बंद करती हूँ। अब गैस बंद करके मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये धनिया डालती हूँ। अब दोस्तों ये देखो, ये मेरी चटनी है और इधर मेरी सब्जी है जो फलियों की मैंने बनाई है। और आप लोगों को जो भी चीज़ पसंद आई है वो मुझे बताना, फलियाँ पसंद आई हैं कि जहाँ आपको मेरी चटनी पसंद आई है। और ये बहुत ही टेस्टी होगी। और अब मुझे मेरी याद वास्ते भी थोड़ी कम हो गई है। अब मैंने दूसरा चम्मच भी नहीं लिया। ये देखो, ये सब्जी मेरी बहुत ही टेस्टी है, बहुत टेस्टी होगी ये सब्जी। और आप भी बनाएं, खाएं और सबको खिलाएं। और बन भी बहुत जल्दी जाती है। और अगर मेरे ये रेसिपियाँ आपको पसंद आई हो तो आप मुझे सब्सक्राइब भी करना, लाइक करना, शेयर करना, वेलकम की बेल जरूर बजाना। आपको मेरी जो रेसिपी होगी वो आपको पहले मिल जाएगी। नमस्कार।